अस्सलामुअलैकुम। आज कुकटेन में हम बनाने जा रहे हैं चपाती चाट, जो कि बहुत ही झटपट बन जाती है। आइए हम बनाते हैं चपाती की चाट। इसके लिए हमने 5 चपाती ली है और इसके ट्रायंगल की शेप में हमने कट कर लिए, टुकड़े कर लिए हैं और इसको तेल के अंदर हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। एक बड़े साइज़ का हमने आलू लेके इसको उबाल लिया है और इसको बारीक काट लिया है। एक बाउल में हमने दही लिया है, दही में हमने थोड़ी शक्कर डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया है। इमली की चटनी लेंगे और हरे धनिए की चटनी लेंगे, बारीक कटा प्याज, बारीक कटा टमाटर, हरी मिर्च लेंगे, इसको भी हमने बारीक काट लिया है, हरा धनिया, टेस्ट के मुताबिक नमक, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा, और थोड़ा चाट मसाला लेंगे। एक कढ़ाई में हमने तेल को गर्म कर लिया है, अब हम इसमें रोटी के पीसेस डाल देंगे और इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर देंगे। देखिए क्रिस्पी होने तक हमने इनको फ्राई कर लिया है। इस तरीके का हमको फ्राई करना है। देखिए कलर भी ब्राउन हो चुका है इसका। अब हम एक एब्जॉर्बिंग पेपर पे इसको निकाल देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरीके से सभी रोटी के पीसेस हम फ्राई कर देंगे। चपाती के सभी पीसेस हमने फ्राई कर दिए हैं। अब एक बाउल में हम इनको डाल के चटनी वगैरह दही सब डाल देंगे, आलू भी डाल देंगे। थोड़ी टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, दही डालेंगे। दही डाल दिया है, इमली की चटनी भी डाल देंगे। हरी चटनी भी डालेंगे, नमक डालेंगे एक चुटकी, सिका हुआ ज़ीरा, थोड़ी लाल मिर्ची, चाट मसाला और थोड़ा हरा धनिया डाल के हम इसको सर्व करेंगे। लीजिए झटपट बनाएं चपाती की चाट और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ में। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल कुकटेन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।